सुवात की तहसील कबल में थाने में दो धमाके, 12 अफराद शहीद, 53 से जायद जख्मी। धमाकों की आवाजें दूर दूर तक सुनाई दी। धमाके के बाद थाने की छत गिर गई। पुलिस के मुताबिक धमाकों के बाद इलाके की बिजली भी मुनकता। जख्मी कबल और सैदुल शरीफ अस्पताल मुंतकिल, इमरजेंसी नाफिज। शोहदा में खातून भी शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। DIG के मुताबिक थाने में पुराना बारूदी मवाद मौजूद था, धमाका उसमें होने का खदशा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शदीद मज़म्मत। धमाके में कीमती जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। मुतल्लिका हुकाम से रिपोर्ट तलब। वज़ीर आज़म ने कहा, पूरी कौम शहदा की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। लकी मरवत में CGD और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। दो खुदकुश बमबारों ने खुद को उड़ा लिया। एक दहशतगर्द फायरिंग में मारा गया। पहाड़ खेलथल में ऑपरेशन किया गया। मुकाबले में एक CGD अहलकार शहीद, दूसरा जख्मी। हुकूमत का इलेक्शन से इनकार, दस्तूर पर सीधा हमला है। आइन से इन्हेराफ के नतायज तबाहकुन होंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान की वार्निंग। सीनियर सहाफियों और एंकर से मुलाकात में कहा कि कानून से बालातर तबका फस्तायत की तारीख रकम कर रहा है। चोरों को कबूल कराने के लिए कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इलेक्शन मेरी नहीं, मुल्क कौम की ज़रूरत है। आइन 90 दिन से तजावुज़ की इजाज़त नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट कौम की उम्मीदों का मरकज़ है, हम अदलिया के साथ खड़े हैं। इल्तवा की गैर आइनी कोशिशों की भरपूर मज़ाहमत करेंगे। साल में कोई पूरे मुल्क में वो बता दे कि उसने कोई ये काम किया हो, कौन सा बड़ा मंसूबा पूरे मुल्क में बनाया। किधर है वो 50 लाख घर जो कहता था जी मैं 50 लाख घर जो है वो गरीबों को दूंगा, वो 1 करोड़ नौकरी किधर है। कोई तरक्की का काम नहीं किया, मासवाई इंतकाम लेने के, अपने मुखालफों के खिलाफ मुहिम जोई करने के। चीफ जस्टिस अपनी सास साहिबा की नहीं है, कौम की आवाज़ सुने। मुबैना ऑडियो लीक पर विफाक के वजीर दाखिला राणा सनाउल्लाह का रद्देअमल। कहा, सास साहिबा की ऑडियो चल रही है जिसमें वो कुछ और कह रही हैं। चीफ जस्टिस कौम के मुतालबे को सुनते हुए मुल्क में एक साथ इलेक्शन कराएं। क्या इनमें सिर्फ पंजाब में 90 दिन में इलेक्शन कराने का कहा गया है? 90 दिन के आईनी हुक्म पर KP में क्यों अमल नहीं हो रहा? हुकूमत के इत्तेहादी हैं मगर ये हमारी हुकूमत नहीं। हमारी हुकूमत आई तो माजी की तरह रोजगार फराहम करेंगे। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी कहते हैं, ख्वाहिश है बिलावल वजीर आजम पाकिस्तान बने। अपनी जिंदगी में बिलावल को वजीर आजम देखना चाहता हूँ। मुल्क बचाने के लिए इमरान खान को निकाला। जो वजारतें हमारे पास हैं उनमें काम किया। हर एक को फंड्स मिले मगर थोड़े फंड्स मिले। कौमी असम्बली तोड़े बगैर मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकेंगे। हुकूमत मुज़ाकरात को ताख़ीरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है। मरकजी सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट की मुज़ाकरात की मोहलत ख़त्म होने वाली है। हुकूमत मुज़ाकरात के बजाय सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चला रही है। शहबाज शरीफ अदालत को चकमा देने में कामयाब नहीं हो सकेंगे। हुकूमत 1 तारीख पर इलेक्शन पर संजीदा रही, अगर होती तो कौमी असम्बली तहलील करने का ऐलान कर देती। ये भी कहा, पंजाब में नून लीग का टिकट कोई मुफ्त लेने को भी तैयार नहीं। इलेक्शन का बायकॉट करके नून लीग अपना भरम कायम रखना चाहती है। पीपल्स पार्टी ने मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन के लिए आज दी गई एहतजाज की कॉल वापस ले ली। निसार खड़ो कहते हैं, 25 अप्रैल का एहतजाज तहमुल का मुजाहरा करते हुए मुलतवी कर दिया। मुल्क अलग अलग इलेक्शन का मुतहमल नहीं हो सकता। आवाम की आवाज़ ना सुनी गई तो फिर एहतजाज की कॉल देंगे।
सूडान में फंसे पाकिस्तानियों की महफूज मकामात पर रवानगी का आगाज। दो काफिले पहुंच गए। काफिले बहरा अहमर में महफूज साहली इलाके में कयाम करेंगे, जहां उन्हें हवाई जहाज के जरिए निकाला जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तानियों को निकालने के लिए मरबूत प्लान तैयार। सूडान समेत दीगर हमसाया ममालिक से मुसलसल राबते में है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का सऊदी हमनसब को फोन। सऊदी एयरलाइन में पाकिस्तानी एयर होस्टेस को भी खरतूम से सऊदी अरब पहुंचा दिया गया। ईद उल फितर के तीसरे दिन भी नॉन स्टॉप मस्ती, मेल मुलाकातें और दावतों का सिलसिला जारी। घरों में महफिलें सज गईं, कहीं बारबेक्यू तो कहीं चटपटे पकवानों का इंतजार। तफरी गाहों में भी जबरदस्त रश। कराची का साहिल समंदर हॉट फेवरेट स्पॉट बन गया। गर्मी से सताए शहरियों ने खूब डुबकियां लगाई। चिड़ियाघर तीसरे दिन भी बच्चों की अव्वलीन पसंद रहा। जगह जगह नस्ब झूलों से भी खूब लुत्फ उठाया। कश्ती रानी के भी मजे लिए। मजमू तौर पर ईद पर 1,62,000 अफराद ने लाहौर चिड़ियाघर का रुख किया। सफारी पार्क, गुलशन इकबाल पार्क, ग्रेटर इकबाल पार्क, शाही किला और बाग जना भी भरा रहा। खवातीन ने किचन का महा संभाला, फरमाइशी खाने तैयार किए। रात के वक्त दोस्त यार भी निकले, सिनेमा घरों में फिल्में देखी, रेस्टोरेंट्स का रुख किया। मालम जब्बा के जंगल में मंगल का समा। सुवात में सियाहती सरगर्मियां उरूज पर। ईद के तीसरे दिन मालम जब्बा सयाहों से भर गया। सयाह अपने साथ टेंट और खाने पीने का सामान भी लाए। होटल का बिल भरा, ना ही खाने पीने की अदायगी करना पड़ी। कम खर्चे में टूर और ईद को यादगार बनाया। नौजवान क्रिकेट समेत दीगर खेलों से लुत्फानंदोज होते रहे। फूलों के शहर में रवायती पकवानों की महक। खुश खुराक पिशावर के शहरी रेस्टोरेंट जा पहुंचे। तिक्का कड़ाही, नमकीन गोश्त, मंदी सजी और चप्पल कबाब पर खूब हाथ साफ किए। गैर मुल्की भी रवायती तिक्कों के दिलदादा निकले। पिशावर में फ्रूट और ड्राई फ्रूट से बने जूस के चर्चे। बेहतरीन जूस के ग्लास की कीमत सिर्फ 400 रुपए। ईद उल फितर पर पाकिस्तान और भारत की सरहदी फोर्सेस में मिठाई का तबादला, एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वाघा बॉर्डर, गंडा सिंह बॉर्डर, हेड सुलेमान की और दीगर सरहदों पर मिठाइयों का तबादला किया गया। हथनी नूरजहां की हलाकत के बाद एडमिनिस्ट्रेटर के एमसी की नई ख्वाहिश। नर हाथी अतिया करने की दरख्वास्त कर दी। कहा जो मुल्क अतिया करना चाहे वो नर हाथी मुहैया कर दे। यकीन दिलाता हूँ हाथी की अच्छी देखभाल करेंगे। नूरजहां की मौत से बहुत कुछ सीखने को मिला। टिकट क्यों नहीं दिया, पीटीआई के नाराज कारकुन जमान पार्क पहुंच गए। टिकट न मिलने पर एहतजाज। पीपी 110 फैसलाबाद से महबूब आलम सिंधु के हामियों की नारेबाजी। इमरान खान ने टिकटों पर नजरसानी का आगाज कर दिया। पंजाब भर से नाराज उम्मीदवारों की दरखास्तें वसूल। पार्टी टिकट वसूल करने वालों के खिलाफ नाराज उम्मीदवारों ने सबूतों के ढेर लगा दिए। तहरीक इंसाफ इलेक्शन में उतरने को तैयार। पंजाब में इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज। डॉक्टर यास्मीन राशिद का अपने हलके पीपी 173 का दौरा। आवाम ने इस्तकबाल किया। इंतखाबी दफातर में कारकुनों से मुलाकातें भी की। तहरीक इंसाफ के पी के सदर परवेज खटक की अहलिया इंतकाल कर गई। मैयत इस्लामाबाद से लाहौर मुंतकिल। नमाज जनाजा आज लाहौर में अदा की जाएगी। इमरान खान, असद उमर, फवाद चौधरी समेत पार्टी के मरकजी कायदीन का इजहार अफसोस। फारूक हबीब ने कहा पीटीआई दुख की घड़ी में परवेज खटक के गम में बराबर की शरीक है। एमकेएम की अगली हिकमत अमली क्या। राबता कमेटी का अहम इजलास आज 3 बजे तलब। सियासी सूरत हाल, एक दिन में इलेक्शन और पीडीएम से मुशावरत पर गुफ्तगू होगी। मर्दम शुमारी के तहफुजात पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। एमकेएम तमाम सूरत हाल देखकर अपनी हिकमत अमली का तायुन करेगी।
अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का अफगान वजीर खारजा को फोन, अफगानिस्तान के सुप्रीम कमांडर को ईद की मुबारकबाद दी। सिराजुल हक ने कहा अमन और तरक्की के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान को मिलकर काम करना होगा। अफगान वजीर खारजा का ईद के बाद पाकिस्तान के दौरे का इरादा। आज़ाद कश्मीर की नई काबीना की तश्कील इल्तवा का शिकार। स्पीकर कानून साज असम्बली के इंतखाब तक काबीना की तश्कील रोक दी गई। वज़रा के महकमों की अलॉटमेंट पर भी इख्तलाफात। पीटीआई फॉरवर्ड ब्लॉक के अरकान की वजारतों का फैसला। स्पीकर के इंतखाब में वोट देने से मशरूत। पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई के फॉरवर्ड ब्लॉक ने मुत्तफिका तौर पर वज़ीर आज़म का इंतखाब किया था। उधर इमरान खान की ज़ेर सदारत पीटीआई आज़ाद कश्मीर का इजलास। ख्वाजा फारूक को अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। ख्वाजा फारूक को पार्लिमानी पार्टी का इजलास फौरी तलब करने की हिदायत। जो उनके साथ बैठेगा वही पीटीआई का हिस्सा होगा। अमेरिका में दौरान प्रवास तैयारे से परिंदा टकरा गया, इंजन में आग लग गई। मुसाफिर परेशान हुए तो पायलट ने हंगामी लैंडिंग करा दी। कीनिया में गुमराह कुन मजहबी अकीदा मजीद 26 जाने ले गया। रूहानी दर्जे के लिए फाका कशी अख्तियार करके मरने वालों की तादाद 47 हो गई। एक कब्र से एक ही खानदान के 5 अफराद की लाशें भी निकाल ली गईं। गुमराह कुन अकीदे की वजह से इलाके में सनसनी भी फैल गई।